हिमाचल प्रदेश के जंगलों में विलुप्त प्राय वेस्टर्न ट्रैगोपैन यानी कि हिमाचल का राज्य पक्षी जाजुराना फिर से दिखने लगा है। सराहन स्थित मानव निर्मित पक्षी प्रजनन केंद्र में जाजुराना को जंगलों में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन को दुनिया की सबसे विलुप्त प्राय प्रजाति का दर्जा मिला हुआ है। आंकलन के अनुसार विश्व भर में केवल 4500 जाजुराना ही बचे हुए हैं। बेहद शर्मिला और मानव गतिविधियों से परहेज करने वाले इस पक्षी का संरक्षण और प्रजनन नहीं होने के कारण इनकी संख्या लगातार घटती जा रही थी। ट्रैगोपैन विश्व में 5 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिमी हिमालय में जो जाजुराना पाया जाता है उसे वेस्टर्न ट्रैगोपैन कहते हैं। मानव निर्मित पिंजरे में अब तक सराहन को छोड़ दुनिया में कहीं भी जाजुराना का सफल प्रजनन नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के सराहन स्थित 7000 फीट की ऊंचाई पर बने पक्षी विहार की आबो हवा जाजुराना को बेहद भा गई है। करीब 3 दशकों से जाजुराना से संवर्धन का कार्य इसी केंद्र में किया जा रहा है। आरंभ में पिंजरे में रखे गए जाजुराना के अंडों को कुड़क मुर्गियों के नीचे रखकर चूजे तैयार किए जाते हैं। उसके बाद स्वयं जाजुराना ने अंडों पर बैठकर सफल प्रजनन शुरू किया है। इस पर मानव निर्मित इस पक्षी विहार में जाजुराना की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। वन्य प्राणी विभाग ने फिर से इस सुंदर पक्षी को राज्य पक्षी भी बनाया है। जंगलों में छोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। कुछ समय पूर्व जाजुराना को 2 परिवार यानी कि 6 पक्षी धारण घाटी अभिरायण में छोड़े गए थे। इसका मकसद एक तो जंगलों में जाजुराना को बढ़ाना और दूसरा पक्षी की आचरण विचरण समेत विभिन्न जानकारियां जुटाना था। DFO वन्य प्राणी मंडल सराहन धर्मवीर मीणा ने बताया कि सराहन पक्षी प्रजनन केंद्र दुनिया का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां जाजुराना का सफलतापूर्वक प्रजनन हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार 2 परिवार यानी कि 6 जाजुराना द्राण घाटी सर्कल में छोड़े गए हैं। उनके जंगल में रहन सहन खान पीन समेत सभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं ताकि भविष्य में जाजुराना से संबंधित और ज्ञान प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि अब पक्षी विहार में 46 जाजुराना रह गए हैं। 2 पेरेंट्स हैं उसके, तो टोटल 6 बर्ड्स हमने छोड़े हैं। तो और हमारा जो साइट है रीइंट्रोडक्शन साइट वो है जो दारन घाटी वन्य प्राणी अभयारण्य जो है बिल्कुल शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे हमने इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। पहले सॉफ्ट रिलीज होता है, हमने सॉफ्ट एनक्लोजर्स बनाए वहाँ पे, उनमें हमें 1 महीने पहले उनको छोड़ दिया। और फाइनली जब वो वहाँ के वातावरण से एक्लेमेटाइज हो गए, वहाँ पे यूज टू हो गए, क्योंकि वो बड़ा ही हाइट पे है, अराउंड 3000 मीटर्स हाइट पे है, उसके बाद हमने इनको फाइनली छोड़ दिया गया। अब मेनली इनको छोड़ना एक अलग बात है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको मॉनिटरिंग है वो एक अलग चीज़ है। तो मॉनिटरिंग के लिए इनके हमने टैग्स लगाए हैं बर्ड्स के, जो कि GPS टैग्स हैं। बेसिकली आप बर्ड्स को उनके पीठ के पीछे टैग्स बांध देते हो, यूजुअली गले में बांधते हैं बाकी एनिमल्स के, बट बिकॉज ये बर्ड्स होते हैं फ्लाइट वाले बर्ड्स होते हैं तो हम पीठ पे टैग करते हैं। तो सैटेलाइट के द्वारा उसमें जो डेटा उनके GPS कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर हमारे पास जो लोकल वहाँ पे हमारे जो स्टाफ है, जो टीम है हमारी, वो डेटा को बेस स्टेशन पर रिकॉर्ड कर सकती है। साथ ही साथ हमने कई सारे कैमरा ट्रैप्स भी डिप्लॉय किए हैं वहाँ पे, पैरों बर्ड्स के जो पैर उनमें रिंग्स डाली हैं ताकि वो रिंग्स से पता लग जाए कौन सा बर्ड्स कहाँ पर है। तो हमारा एम ये है कि 1-2 साल बाद हमें पता लग जाएगा कि ये बर्ड्स कहाँ, इनका हैबिटेट है कहाँ पर, ये बैठते हैं क्या, ये खाते हैं। बिकॉज अभी हमारे पास ट्रैगोपैन इतने साल ब्रीडिंग करवाने के बाद भी हमारे पास थोड़ी लिटरेचर की इसमें कमी है कि पूरे बर्ड का हमें बिहेवियर पता नहीं है। तो ये बड़ा ही हमें एक हैबिटेट रेंज बताएगा, साथ ही साथ एक बर्ड का बिहेवियर है हमें मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। तो अभी आप जो प्रेजेंटरी में है कितने अभी बैलेंस है अभी? हाँ, बैलेंस अभी हमारे पास एट प्रेजेंट 46 बर्ड्स अभी बचे हुए हैं, इसमें से हमने 6 छोड़ दिए, टोटल 52 थे, तो अभी 46 है प्रेजेंटली। तो रीइंट्रोडक्शन का ये है, इस साल है और ये आगे चलता रहेगा जब तक, सपोज हमें इस साल रीइंट्रोडक्शन में कुछ और गलतियां लगती हैं कि इसमें और सुधार हो सकता है। बिकॉज बर्ड्स को छोड़ने के बाद ये वहाँ पे ब्रीड करने चाहिए, मतलब इनकी जो जंगल में ऑलरेडी वहाँ पे बर्ड्स हम के साथ ब्रीडिंग हो और इनकी पॉपुलेशन बढ़े वहाँ पे, तो जब तक हमारा वो एम पूरा नहीं हो जाता हम ये 3-4 साल 5 साल तक इसको कंटिन्यू रखेंगे।